है क्या इसी में भी शेखों का हाथ है, जो दुबई के शेख हैं कहते हैं लोग क्यों पाकिस्तान में जो भी शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं सब शेख उनको देते हैं? नहीं नहीं, मैं अपनी मैं नहीं आपको कह रही, मैं आप पे किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं, बट मैं वो चीज़ जो कि व्यूज लोगों के आ रहे हैं, ये लोगों के सवाल हैं जो मैं अपने जरिया से पूछ रही हूँ, तो ये इसमें मुझे ऑब्वियसली ऐसा कोई मतलब मेरे ख्याल में कोई भी बंदा आके ये नहीं कह सकता कि किसी ने हमें बगैर किसी उसके लाइक वो दिया। हाँ हम अपने इवेंट्स करते हैं दुबई में, हमारे इवेंट्स वगैरह होते थे, हमारे शो वगैरह होते थे, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी जिनकी मतलब हम ब्रांडिंग करते थे, ब्रांड एम्बेसडर थे, सारा कुछ था, लेकिन ये नहीं कि शेखों के साथ हम थे तो वो शेखों की कंपनियाँ थी जिनके हम ब्रांड एम्बेसडर थे या ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं किन शेखों को मारे और उन बेचारों की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं शेखों की, उनको तो छोड़ दें। चले मान लेते हैं आप शेखों से पैसे नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तान में आपकी काफी सियासतदानों से बड़ी अच्छी मेरी बात नहीं, शेख हमें क्यों पैसे देंगे? नहीं लेकिन मैं शेख क्यों देंगे लोगों, आप बताओ शेख इनको क्यों पैसे देंगे? क्योंकि देखिए मैं भी इस बात को नहीं जानती और ये उनका सवाल भी ठीक है कि क्यों पैसे देंगे, ये आप लोगों का सवाल है जो मैं इनसे पूछ रही हूँ। अच्छा मैंने मान लिया आप नहीं लेती, लेकिन लोग भी ये भी कहते हैं कि आपके सियासतदानों के साथ बड़े लिंक्स हैं, तो फिर आप आपके लिए अमीर होना कोई मसला नहीं है, तो आपके पास इतनी दौलत कैसे? पाकिस्तानी सियासतदान मेरे तो ऐसे कोई नहीं है कि कोई लिंक हो गया या किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने मुझे पैसे दे होंगे या कोई ये कह सके, मतलब कोई भी ये बात कि मतलब मुझे कोई भी एक रुपया अपना साबित ही नहीं कर सकता किसी भी लिहाज से, और मैं पूरे वसूख के साथ और पूरे उसमें कहती हूँ कि कोई बंदा पाकिस्तान का आके ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे पैसे खाए या पैसे लिए या उसने मुझे पैसे दिए, किसी ने नहीं दिए। दूसरा क्या पूछ रही थी? दूसरा मैंने ये पूछा था कि आपने कहा है कि आपके लिए अमीर होना कोई बात नहीं, तो इतने पैसे आए कहाँ से लोगों को? वो मैंने ये कब बोला अमीर होना कोई बात नहीं? नहीं चले, नहीं ये चले देखे मेरी ये सारी चीजें इंसान की किस्मत और मुकद्दर से मिलती है पैसा ये लेकिन आपकी ऐसी कौन सी जॉब है जो आपको लगता है कि लोगों को भी करनी चाहिए और पैसे आ सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। लोगों को घूमना फिरना चाहिए, याशी करनी चाहिए, घूमने फिरने से तो जो उनकी जेब में जमा पूंजी होगी वो भी लग जाएगी। मेरे ख्याल में ना आपके अगर दिल मुतमईन है, आपके दिल के अंदर इत्मीनान है, तो आप घूम फिर भी सकते हो, आप मतलब जी भी सकते हो लाइफ। अगर आपके दिल के अंदर वो चीज़ें नहीं है तो आप वो नहीं, जॉब जिसको जो जॉब करनी करे, मैंने किसी को क्या इंस्ट्रक्शन देनी कि आप ये जिसका मतलब जो दिल है वो करे, हर एक मतलब आपने। लेकिन अभी आपने मुझे अमीर होने का टोटका अभी भी नहीं बताया कि ऐसा क्या करना चाहिए अमीर होने के लिए। टोटका मुझे तो बता दे, चले मैं अमीर होने के लिए अमीर ये तो मुझे आप बताएं। मैं कैसे? वैसे मुझे पैसों में इतना इंटरेस्ट भी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि आपका ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब मैं ये नहीं, मुझे मतलब अगर मेरा लाइफ स्टाइल ऐसे है कि मैं अगर 7 स्टार में भी हूँ तब भी मैं खुश होती हूँ, मैं एक झोंपड़ी के अंदर हूँ तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जब मैं 5 स्टार में खाना खा रही हूँ तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जब मैं ज़मीन पे बैठ के खाना खा रही हूँ मैं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं हर हाल में, और इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी वक्ती चीज़ें, ये पैसा, ये दौलत, ये फेम, ये सारा कुछ मतलब टेम्प्रेरी है, तो मेरे ख्याल में जो आपके नसीब में वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अच्छा जैसे आपने बताया आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं, आप हर जगह जाती हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा खर्च अभी किस चीज़ पे किया? शॉपिंग पे, घूमने फिरने पे? सबसे ज़्यादा पैसे आपको लगता है कि आप कहाँ खर्च करती हैं, जहाँ आपकी मतलब एक अल्टीमेट फैंटेसी होती है बंदों की कि यार यहाँ मुझे चीज़ें पैसे स्पेंड करने हैं और मुझे शॉपिंग में मज़ा आता है, और क्या चीज़ आपने ऐसे खरीदी? मुझे पैसे जमा करने में मज़ा नहीं आता, पैसे उड़ाने में मज़ा, वो पैसा पैसा करती है, मुझे पैसा उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। और तो उड़ाया सबसे ज्यादा आपके पास इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव चीज कौन सी है जिस पे आपने उड़ाया और आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाई भी हूँ? और मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगे, चाहे वो एक्सपेंसिव हो, चाहे वो एक आम सी चीज़ हो, चाहे वो मतलब उसकी प्राइस इतनी ना हो, बहुत आम सी चीज़ हो, चाहे मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो कि ब्रांडेड चीज़ें या ब्रांडेड हो, मुझे आम सी चीज़ भी पसंद आएगी मैं वो भी लेती हूँ और मुझे वो भी पसंद आती है। मुझे ये नहीं होता कि नहीं मेरे जूते ब्रांडेड होने चाहिए, मेरा ड्रेस ब्रांडेड होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। हाँ मुझे गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, मुझे शौक है। तो पता हमें चल गया कि आप गोल्ड पे पैसे उड़ाती हैं, मतलब पैसे उड़ाने लेकिन शौक है, कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ हर ज्वेलरी के, ज्वेलरी का आपको शौक है? वो पहनूं या ना पहनूं लेकिन मुझे पसंद है ऐसे, तो ऐसे कोई मतलब आम सी चीज भी पसंद हो तो मुझे वो मेरे साथ अच्छी लग रही है, मुझे पसंद है, तो मुझे ये नहीं होता कि कोई आम सी चीज मेरे लिए खास है तो खास ही है। अच्छा आप अपने पास असलहा भी रखती हैं, तो क्या आपके पास लाइसेंस है अभी भी है क्या? मतलब मुझे डर के रहना चाहिए जी अल्हम्दुलिल्लाह।
है और आप लाइसेंस भी है आपके पास, और क्यों रखती हैं वजह? रखती मतलब क्या, लाइसेंस हो आपके पास तो आप असला रखो, या आपने प्रोटेक्शन के लिए ना भी रखो, शौक के लिए भी रखो, तो वो मान्यता नहीं है कि नहीं असला रखना भी कोई कुदरत आपको चलाने। हाँ आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, आप मुझे हर एक असला चलाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पास कितने टोटल अभी इस वक्त रिवॉल्वर्स और ये सब चीजें हैं, कितने हैं? ये तो मैंने नहीं बताया, ये तो नहीं बताया। चले मुझे कैमरा बंद होने के बाद बता दीजिए। नहीं ये अच्छा, तो कोई कबीरा गुनाह नहीं है कि कोई मैं असला नहीं, नहीं, अगर आप एक लीगल नहीं मेरी बात सुने, मर्डर तो वो तो मैं कभी किसी का कर भी नहीं सकती, मेरा इतना दिल नहीं, और अल्लाह ना करे कि मेरे हाथों किसी को, अल्लाह कभी ना करे। लेकिन आप लाइसेंस मतलब ये पिस्टल वगैरह ये कोई ममानियत तो नहीं रखते? नहीं ये तो ना कराई में।